ये टीवी की आर्ट एक्ट्रेस गंजा होना भी स्वीकार कर दिया है इन्होंने अपने रोल की वजह से। इन्होंने अपने रोल को एंटरटेनिंग और बहुत ही बेहतरीन बनाने के लिए गंजा होना स्वीकार कर लिया। हालांकि इनमें से कुछ सचमुच में गंजी हुई थी और कुछ अपने रोल्स की वजह से बिग पहनी थी, मेकअप के द्वारा दिखाई गई थी। तो चलिए बात करते हैं नंबर वन पर आती है जेनिफर विंगेट। जेनिफर विंगेट ने बेहद सीरियल में गंजा हुई थी। बेहद सीरियल में उनको ऐसे किरदार निभाना था जिसमें उन्हें गंजापन दिखाया गया था। निया सलमान भी अपना जो उनका स्टार प्लस में नाटक आता था मेरी एक हजारों में मेरी बहन है, उसमें उन्हें कैंसर पीड़ित महिला दिखाया था जिसमें उन्हें गंजा होना पड़ा था और वो हुई थी मेकअप के द्वारा। नंबर तीन पर आती है अभिनेत्री दीप्ति धामी ने अपने बाल बालाजी मंदिर में मुड़वा लिए। उनके पति को कोरोना हो गया था, इस बीच उन्होंने मंदिर मन्नत मांगी थी अगर उनके पति सही हो गए तो अपने बाल मुड़वा देगी और उन्होंने अपने बाल मुड़वा लिए। टीवी एक्ट्रेस रिंकू कर्माकर ने एक शो के लिए गंजी होने के लिए हामी भर दी थी और फिर अपने जो किरदार है खलनायक की भूमिका को बेहतरीन बनाने के लिए उन्होंने अपना सर के बाल मुड़वा लिए। ये नाटक था पसंद आया था, उसके कारण उन्होंने अपने बाल मुड़वा लिए थे। इसमें टीवी की अदाकारा पूजा कनवाल का नाम भी शामिल है। पूजा कनवाल ने अपने बाल कटवा डाले थे। जी हाँ दोस्तों, बाल कटवा डाले थे वो दमदार मुड़वाया था। मैंने आपने बहुत सारे नाटक टीवी शो में देखा वर्तना कीर्ति का गुस्सा ये फिलहाल जो इनका लेटेस्ट शो है वो है पांड्या स्टोर से ये फेमस हुई है। इन्होंने सबसे पहले अपने बाल मुड़वाए थे। इन्होंने एक शो के लिए सबसे पहले अपने बालों की मुड़वाई थी। टीवी की अदाकारा सुरभि मुक्ति भी शामिल है। सुरभि मुक्ति ने इसके बाद सीरियल के लिए अपने बाल मुड़वा लिए थे। जी हाँ पूरे बाल मुड़वा लिए थे और सुरभि चंद्रा के माँ का रोल किया था। टीवी एक्ट्रेस पुष्टि शक्ति भी इस लिस्ट में शामिल है। पुष्टि शक्ति ने एक मन्नत मांगी थी, जब उनकी मन्नत पूरी हुई तो उन्होंने अपने बाल तक मुड़वा लिए। इसे कहते हैं सच्ची भक्ति और सच्चा टैलेंट, जिसके कारण ये स्टार अपने बाल तक मुड़वाने के लिए राजी हो जाते हैं।